हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे क्लास 7th की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे थे। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था अपनी लास्ट वीडियोस में, तो उसी को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे जो है अर्ली 13th सेंचुरी तक या फिर 12th सेंचुरी तक यहाँ पे जो है दिल्ली सल्तनत जो है वो छोटी सी सिटी ही रहती है। एक छोटा सा एरिया जो है वो ही इनके पास रहता है, एक गैरिसन टाउन ही ये बना रहता है। बट धीरे धीरे जो है बाद में जाके जो है ये इवन साउथ इंडिया तक भी पहुंच जाते हैं। बट फिर भी जो है जो ज़्यादा वास्ट एरियाज थे, लाइक बंगाल हो गया या फिर इनके जो कुछ फॉरेस्टेड एरियाज थे यहाँ पे गैंगेटिक प्लेन में, वहाँ पे जो है ये अपनी पावर जो है अच्छे से कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं। इवन जो है साउथ इंडिया तक भी ये पहुँच चुके थे, उस एरिया को भी अपने कंट्रोल में करते हैं। बट वहां पे भी जो है ज्यादा देर तक जो है इनका रूल नहीं रहता है। ओके, जल्दी ही वो जो एरिया है वो इंडिपेंडेंट भी हो जाता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, कि उन्होंने किस तरह से दिल्ली सल्तनत को जो है एडमिनिस्टर किया था एंड कौन कौन से यहाँ पे जो है मिनिस्टर्स थे, कौन कौन से नोबल्स रखे थे। तो हमने यहाँ पे देखा था कि इल्तुतमिश जो है वो ज्यादातर किसके ऊपर विश्वास करते थे, जो उनके स्लेव थे, राइट, जो उन्होंने खरीदे हुए थे उन स्लेव्स को ही जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो ऑफिसेज होती हैं उसके ऊपर उन्होंने अपॉइंट किया हुआ था, उसके ऊपर वो ज्यादा विश्वास करते हैं। बट अगर अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो उन्होंने जो है स्लेव्स को भी यहाँ पे कंटिन्यू रखा था, उन्हें भी जो है ऑफिसेज यहाँ पे सेम प्रोवाइड करवाई थी जो इल्तुतमिश ने प्रोवाइड करवाई थी। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट जो नोबल पर्सन होते हैं जो कि इनके क्लाइंट्स हुआ करते थे, तो उन लोगों को भी जो है ये इम्पोर्टेंट ऑफिसेस अपॉइंट करते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात की थी। नाउ थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेंगे यहाँ पे। जो अलाउद्दीन खलजी है एंड जो मोहम्मद तुगलक है, उनका जो है यहाँ पे काम करने का क्या तरीका था, उनकी जो पॉलिसीज थी वो किस तरह की थी, उनकी पॉलिसीज के बीच में जो है मेन डिफरेंस क्या रहता है, तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं डिफरेंस इनके बीच में। ओके, तो फर्स्टली अलाउद्दीन खलजी एंड दिस वन इज द मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। हम यहाँ पे देखेंगे कि किस किस लोगों ने यहाँ पे जो है अलाउद्दीन खलजी के समय में अटैक किया था एंड मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर जो है किसने यहाँ पे अटैक किया था। तो अलाउद्दीन खलजी के समय में जो है दिल्ली को 2 बार अटैक किया था, एक था 1299 में, दूसरा था 1300 में, राइट, एंड 1302 से लेके 1303 के बीच में। तो ये टाइम पीरियड रहता है, 2 बार यहाँ पे अटैक हुए थे, 1299 से 1300 एंड 1302 से 1303 के बीच में। तो इन अटैक्स के खिलाफ यहाँ पे एज ए डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन ने क्या किया था, एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी जो होती है यहाँ पे अपने आउटसाइड जो एरियाज थे वो वहां पे रेज करती थी। ओके, एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी जो होती है वो इन्होंने रेज की थी। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि सल्तनत जो है उनके समय में, उनके अर्ली ईयर्स में वहां पे जो है उनके सल्तनत के ऊपर अटैक होता है, तो मंगोल आर्मी को यहाँ पे जो है हरा दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी के द्वारा, राइट। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्हें आर्मी, अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ के ऊपर काफी ज्यादा जो है विश्वास था। एंड क्या था, हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन दी ट्रांसोक्सियाना ऑल्सो। तो उनके जो आर्मी थे उन्होंने ये भी प्लान किया था, हम जो है इस एरिया को भी, ट्रांसोक्सियाना एरिया को भी जो है अपने कंट्रोल में कर लेंगे। एंड दैट इज वाई जो है इन्होंने भी एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी जो होती है वो रेज की थी। ओके, ये तो ये बात है यहाँ पे अटैक्स की एंड आर्मी की इस पॉइंट में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहता है, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन, जिसे हम जो है सिरी बोल सकते हैं अपने सोल्जर्स के लिए। एक गैरिसन टाउन हो गया मीन जिसमें जो है फोर्ट्स बनाए जाते हैं। ओके, एक किले जो होते हैं वो यहाँ पे बनाए थे, तो अलाउद्दीन ने जो है एक नया गैरिसन टाउन बनाया था जिसका नेम था सिरी अपने सोल्जर्स के लिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, जो ओल्डेस्ट 4 सिटीज थी दिल्ली की, जिसे हम जो है दिल्ली एक कोना के नाम से भी जानते हैं, उन सिटीज को ही जो है खाली करवा दिया गया था। वहां से जो भी रेजिडेंट्स थे उन्हें निकाल दिया गया था एंड जो सोल्जर्स होते हैं वह उन्हें जो है वहां पे खड़ा कर दिया गया था। सो क्या था, यहाँ पे जो रेजिडेंट्स थे इन ओल्ड सिटी के वो जो है दौलताबाद में आ जाते हैं, जो दिल्ली के साउथ की तरफ है ये जो एरिया है। तो ओल्ड सिटी के जो रेजिडेंट ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल जिसका नाम था दौलताबाद, वहां पे जाके जो वो रहन स्टार्ट कर देते हैं। तो
तो अब सोल्जर्स जो है उन्हें भी फीड करना था, उन्हें फीड किस तरह से किया जाता था, सो दिस वॉज डन थ्रू ए प्रोड्यूस कलेक्टेड एज ए टैक्स फ्रॉम दी लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना. तो गंगा एंड यमुना के बीच में जो भी एज ए टैक्स जो भी प्रोड्यूस यहाँ से लिया जाता था, जितने भी पीजेंट्स थे उनसे लिया जाता था, तो उसी को यूज किया जाता था सोल्जर्स को फीड करने के लिए. तो टैक्स जो है आप जानते ही हो 50% था टोटल, जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्शन होती है उसका जो 50% है वो यहाँ पे किसके पास जाएगा, रूलर के पास जाएगा. तो प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज ए टैक्स टू फीड द आर्मी. सेम चीज यहाँ पे क्या था कि वहां से जो है जो प्रोड्यूस यहाँ पे इनका होता है उसे एज ए टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है अपनी आर्मी को फीड करने के लिए. बट यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स थे तो इन्हें भी जो है इससे भी जो है निपटने के लिए सुल्तान ने यहाँ पे जो है कुछ एडिशनल टैक्सेस होते हैं वो भी लगवा दिए थे लोगों के ऊपर. एंड इसके बाद में जो है जब ये टैक्स लगाते हैं इन लोगों के ऊपर, डबल डबल टैक्सेस जो है लोगों को देने पड़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ जो है एक और प्रॉब्लम आती है इनके समय में, वो जो है यहाँ पे अकाल पड़ जाता है, फेमाइन यहाँ पे देखने को मिलता है. राइट, नेक्स्ट अब जो है अगर पेमेंट किस तरह से होती है इनकी वो देखेंगे सोल्जर्स की. सो द सोल्जर्स हैड टू बी पेड. अब उन्हें जो है पेड भी करना था, तो अलाउद्दीन जो है वो क्या करते हैं, उन्हें जो है एज ए कैश जो उनकी सैलरीज जो होती हैं वो उन्हें कैश में देते हैं, रैदर देन दी इक्ताज. इक्ताज के बारे में हमने बात की थी कि जो लैंड होती है, राइट, जो लैंड होती है वो यहाँ पे दे दी जाती थी पहले, राइट, एज ए तरह से सैलरी के तौर पे. बट अब अलाउद्दीन खलजी क्या करते हैं कि वो जो है अपने सोल्जर्स को कैश में पे करते हैं. एंड जो सोल्जर्स होते हैं वो जो है अपनी जितनी भी खाने की चीजें होती हैं वो मर्चेंट से खरीद सकते हैं दिल्ली में. एंड अब यहाँ पे जो है अलाउद्दीन खलजी को ये भी डर रहता है कि जो मर्चेंट्स हैं वो प्राइजेस को भी रेज कर देंगे, मीन प्राइजेस को भी जो है वो बढ़ा देंगे. टू स्टॉप दिस, इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन जो है वो क्या करते हैं, दे कंट्रोल द प्राइस ऑफ गुड्स इन दी दिल्ली. तो दिल्ली में जो है वो प्राइसेस को कंट्रोल कर देते हैं कि कोई कुछ जो लिमिट होती है, राइट, एक लिमिट वो यहाँ पे सेट कर देते हैं कि इस लिमिट से जो है कोई भी एक रुपया भी नहीं लेगा लोगों से. एंड इन प्राइसेस को जो है काफी अच्छे से सर्वे भी किया जाता था ऑफिसर्स के द्वारा. एंड जो मर्चेंट्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब प्राइसेस के ऊपर चीजें नहीं बेचते थे उन्हें पनिशमेंट भी दी जाती थी. तो ये जो है एक तरह से काफी ज्यादा जो है सराहनीय स्टेप था इनका प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए. तो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो भी यहाँ पे जो है अपने सोल्जर को कैश में सैलरी दे देते थे, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग दी प्राइजेस उन्होंने जो है एक टोकन करेंसी जो होती है वो यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस की थी, जो कि प्रेजेंट डे पेपर करेंसी हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो नोट हम यहाँ पे यूज करते हैं वैसी ही वो करेंसी थी, जिसे हम टोकन करेंसी भी बोल सकते हैं. बट इसे जो है चीप मेटल से बनाया गया था, सस्ते मेटल से बनाया गया था. पहले हमने देखा था कि कुछ कॉइन्स थे वो गोल्ड से सिल्वर से अच्छे मेटल से बनाए गए थे, बट ये चीप मेटल से बनाए जाते हैं. तो 14th सेंचुरी में जो लोग थे वो इन कॉइन्स के ऊपर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि काफी चीप मेटल से बनाए गए थे, तो वो काफी ज्यादा स्मार्ट थे. उन्होंने क्या किया था कि अपने गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स जो थे वो सेव कर लिए थे, एंड जो भी टैक्सेस इन्होंने पे करने थे वो अब जो है वो उसी टोकन करेंसी से ही पे करते थे. ओके, एंड इस चीप करेंसी को जो है अच्छे से काउंटरफिट भी कर लिया जाता था, मीन जो है नकली नोट होते हैं वो भी यहाँ पे बना लिए जाते थे. तो अगर हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की बात करें अलाउद्दीन खलजी की, तो वो जो है काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं. एंड जितने भी क्रोनाइकर्स थे वो प्रेज भी करते हैं, प्रेज्ड हिज रूल फॉर इट्स चीप प्राइसेस, उनके चीप प्राइसेस के लिए जो है उन्हें काफी ज्यादा वो प्रेज भी करते हैं. एंड इवन जो है मार्केट में भी काफी अच्छी सप्लाई रहती है गुड्स की. एंड इवन जो है मंगोल्स जो है वो इन्वेड भी करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से हमारे भारत को, तो उसको भी जो है अच्छे से वो जो है इस थ्रेट को भी अच्छे से उसके सामने खड़े रहते हैं अलाउद्दीन खलजी. ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट दी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो जो है एक फेलियर के तौर पे जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने जब कश्मीर के ऊपर भी कैंपेन किया था वो एक डिजास्टर था. ओके, एंड जब जो कश्मीर में वो हार जाते हैं तो वो ये प्लान्स जो होते हैं कि वो ट्रांसोक्सियाना एरिया को इन्वेड करेंगे वो उस प्लान को भी गिव अप कर देते हैं. एंड जो लार्ज आर्मी उन्होंने यहाँ पे बनाई हुई थी उसे भी वो छोड़ देते हैं, उसे भी वो डिसबैंड कर देते हैं, लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं.
तो मीन वाइल जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स थे उनकी वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे दौलताबाद की तरफ लोगों ने शिफ्ट किया था, राइट। तो जो लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं वो यहाँ पे विद्रोह करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि उन्हें जो उनके घरों से निकाला गया था। एंड इन लोगों इन्होंने यहाँ पे टैक्सेस को भी रेज किया था। एक तो यहाँ पे जो है जो प्रोड्यूस होता है उसका 50% जो है वो लिया जाता था एज ए टैक्स, एंड टैक्स एंड एक और जो टैक्स होता है उनके ऊपर लगा दिया गया था, दूसरी गुड्स के ऊपर भी। तो इसकी वजह से भी जो लोग थे वो रिसेंटमेंट थे, वो रिसेंट करते हैं एंड इनके खिलाफ विद्रोह करते हैं। एंड इवन क्या था यहाँ पे गंगा यमुना बेल्ट जो है, गंगा यमुना के आसपास का जो एरिया है वहां पे फेमाइन आ जाता है, जिसकी वजह से जो है और भी ज्यादा विद्रोह जो है लोग इनका करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड फाइनली जो टोकन करेंसी इन्होंने स्टार्ट की थी जो कि एक पेपर करेंसी है, उसे भी जो है कैंसिल कर दिया जाता है बाद में, राइट। तो ये डिफरेंसेस रहती हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में, इनके जो है किस तरह से इन्होंने काम किया था आर्मी के रिगार्डिंग, वो सैलरी किस तरह से देते थे, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स कौन कौन से थे, वो उनके डिफरेंस के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। सो इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फेलियर वी समटाइम फॉरगेट डेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत अ दिल्ली सुल्तान प्लान्ड अ कैंपेन टू कैप्चर द मंगोल टेरिटरी। बट ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे जो है मोहम्मद तुगलक के जो है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स हैं उन्हें एज ए फेलियर ही गिन रहे हैं, राइट। तो वो ऑब्वियसली वो कॉन्सिडेंटली यहाँ पे जो है फेल हो गए अपने, उन्होंने कोशिश तो की ना यहाँ पे, राइट, वो फेल हो गए अपने जितने भी एफर्ट्स उन्होंने किए थे। बट ऐसा नहीं है कि हम जो है ये चीज भूल रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम पूरी हिस्ट्री में, अब तक जो है फॉर द फर्स्ट टाइम पूरी हिस्ट्री में कोई ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई थी कि वो मंगोल की टेरिटरी को कैंपेन करेंगे, राइट। उनकी ब्रेवरी को जो है यहाँ पे हम नजरअंदाज कर देते हैं, तो उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अनलाइक अलाउद्दीन की जो डिफेंसिव मेयर्स थी, तो खलजीज ने जो थे, अलाउद्दीन खलजी जो थे उन्होंने डिफेंसिव मेयर्स लिए थे, तो मोहम्मद तुगलक मेयर वर कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट दी मंगोल्स। तो मोहम्मद तुगलक ने जो भी यहाँ पे काम किए थे, जो भी मेयर्स यहाँ पे लिए थे, जो भी इन्होंने फैसले लिए थे, वो क्यों लिए थे? क्योंकि वो जो है एक अच्छी मिलिट्री बनाना चाहते थे, सो डैट कि वो मंगोल्स के सामने खड़े रह सके एंड उनके जो एरिया है ट्रांजोक्जियाना जो एरिया है उसे वो अपने कंट्रोल में कर सके। ओके तो 15th एंड 16th सेंचुरी में सल्तनत थी वो किस तरह की थी, क्या रहता है? अब तुगलक के बाद में नेक्स्ट जो रूलर्स आते हैं यहाँ पे वो आते हैं सैयद एंड लोदी। ओके, उन्होंने जो है 1526 तक यहाँ पे रूल किया था फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा, दिल्ली एंड आगरा से जो है ये रूल करते हैं। एंड इस समय तक अराउंड 16th सेंचुरी की यहाँ पे बात हो रही है, 1526 तक की यहाँ पे बात हो रही है, तो इस समय तक सैयद एंड लोदी डायनेस्टीज जब आई थी उनके समय तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड दी एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टैब्लिश फ्लरिशिंग स्टेट्स एंड दी प्रोस्पेरस कैपिटल्स। तो इतने सारे एरियाज में यहाँ पे काफी सारे जो है इंडिपेंडेंट रूलर्स आ चुके थे। जो कि एक तरह से हम बोल सकते हैं उन्होंने अपनी फ्लरिशिंग स्टेट्स बना ली थी, काफी बड़ी बड़ी कैपिटल्स भी इन्होंने बना रखी थी। तो क्या रहता है यहाँ पे, कुछ और भी नई रूलिंग ग्रुप्स यहाँ पे आ चुके थे 16th एंड 15th सेंचुरी में, वो थे अफगान्स भी यहाँ पे आ चुके थे, राइट। एंड जो राजपूत होते वो भी हमारे भारत में नई नई जो रूलिंग ग्रुप्स थे वो बन चुके थे। सो सम ऑफ द स्टेट्स एस्टैब्लिश इन दिस पीरियड वर स्मॉल। तो जो स्टेट्स यहाँ पे बनी थी वो छोटी तो थी बट वो काफी ज्यादा पावरफुल थी एंड उन्हें काफी अच्छे से जो है उनका प्रशासन भी चलाया जाता था, वेल एडमिनिस्ट्रेट थी वो। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं शेरशाह सूर का, 1540 से लेके 1545 के बीच में जो उनका टाइम पीरियड रहता है, तो वो जो है एक तरह से बिहार में एक रूलर थे, उनके अंडर जो है वो काम किया करते थे एज ए मैनेजर। एंड इवेंचुअली ही चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। तो शेरशाह सूरी जो है वो इतने एबल थे कि उन्होंने मुगल एम्परर, जो इसके बारे में हम जो है आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो हुमायूं को भी जो है वो हरा देते हैं। दो बार हराया था 1530 से 40 के बीच में, 1555 के बीच से लेके 1556 के बीच में। ओके, तो शेरशाह जो है वो दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं एंड अपनी नई डायनेस्टी जो होती है वो उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। तो ऑल दो सूरी डायनेस्टी जो है, शेरशाह सूरी की जो डायनेस्टी है वो उन्होंने ओनली 15 साल तक ही रूल किया था एंड बट इन्होंने जो है इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो देखने वाला था। इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स थे वो कहाँ से उठाए थे? अलाउद्दीन खलजी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो इन्होंने उठाए थे एंड उन्हें और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाया था, अपने भी कुछ एफर्ट्स उसमें डाल दिए थे इन्होंने।
तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था सूरी का, शेरशाह सूरी का, वो जो है अकबर ने जो है इन्हें इन्होंने जो है अकबर ने जो है इसके एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट किया था। वो एक मॉडल बन जाता है अकबर के लिए। जब अकबर ने पूरी मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट किया था, तो अकबर ने भी जो है इनके एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स को उठाया था। राइट, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 3 ऑल्सो। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, एंड उसमें अब हम यहाँ पे जो है मुगल एम्पायर के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा है, तो दिल्ली सल्तनत जो है वो ज्यादा देर तक यहाँ पे जो है कंसोलिडेट नहीं कर पाती अपनी पावर को। तो दिल्ली के आसपास के ही कुछ एरिया जो उनके कंट्रोल में रहते हैं, ओदो साउथ इंडिया तक तो वो पहुंच चुके थे, राइट, एंड इवन बंगाल के आसपास के एरियाज तक भी पहुंच चुके थे। एंड इवन कोशिश भी करते हैं कि वो जो है जो दूसरे जो एरियाज हैं यहाँ पे सेंट्रल एशिया के जो एरियाज हैं, ट्रांसओशियाना जो एरिया है उसे भी वो कंट्रोल करे, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। राइट, सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद